अस्सलामु अलैकुम। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.10 को क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें लेंथ दी हुई थी और एरिया हमें खुद फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 14,400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला आपको याद होगा, एस इंटू एस यानी एस स्क्वायर है इज इक्वल टू 14,400 स्क्वायर मीटर, और यूं भी लिख सकते हैं एस रेज टू पावर 2 या एस स्क्वायर इज इक्वल टू 14,400 स्क्वायर मीटर। बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइड हमारे पास आ जाएगी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, द लेंथ और द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसका हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 times 1 is 1, 1 का डबल करेंगे 2 और 2 के साथ इजाफी नंबर ऐड किया 2 और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 into 2 times 4, 2 times 2 is 4। तो अगला पेयर है 0 का, 12 का डबल आप करेंगे तो आ जाएगा 24, लेकिन 0 आने के लिए 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 240 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0, तो आपके पास आ गया 120 मीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। ये वर्किंग आपने नीट हिस्से में करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड स्क्वायर शेप्ड फील्ड दिया हुआ है, क्योंकि 4,22,500 स्क्वायर मीटर है। तो अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर्ड फील्ड विच इज इक्वल टू 4,22,500 स्क्वायर मीटर्स। अगेन फार्मूला इसमें लगाएं, साइड इनटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, नंबर आपके पास अगेन यही रहेगा। इट मीन्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4,22,500 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू, यानी साइड एक साइड ईच साइड आ जाएगी। इसको करने के लिए डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। याद होगा आपको राइट साइड से पेयरिंग करेंगे और 6 times 6 is 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 को 42 में से, 12 minus 6 is 6 और नया पेयर आएगा 25, 6 का डबल 12, 12 के साथ 5 को अगर लगाएं और इसी 5 से मल्टीप्लाई करें 125 5 times 625, नया पेयर आपके पास 0 का रह गया, 65 का डबल है 130 और नया पेयर आपके पास आया 0, रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहरी बात है आपको 0 लाने के लिए इसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास 0 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिज़ल्ट 0 ही रहेगा। तो साइड हमारे पास आ गई यहाँ पर 650 मीटर्स। सवाल के अगले हिस्से में हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि फेंस को या बार को फिक्स करने के लिए चारों तरफ लगाई जाएगी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें पैरामीटर का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि है 4 into साइड। फोर मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 650 मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2600 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ होगी, यही आपका आंसर है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम काम नीट कॉपी पर उतारना है। अल्लाह हाफिज़।